coba dia re orang satu 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 lah coba dia re coba तो अभी हम लोग जा रहे हैं 10 नंबर बागान, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे बंदी है और लॉकडाउन का पता ही आपको उतना अच्छा भी चल नहीं रहा है, बिजनेस उतना कुछ अच्छा चल नहीं रहा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे नदी और मछली उछली पकड़ेंगे, खाएंगे वहाँ पे पिकनिक और उसके बाद हम लोग शाम तक वो वापस आएंगे। तो मैं अभी मेरे साथ है हेमंत, ये रहा हेमंत गौड़ और इसको तो आप पहचानते होंगे मामोर भाईटी। तो और मैं और मेरे साथ है और भी है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव में मछली कैसे पकड़ते हैं और नदी में कैसे मतलब केकड़ा और मछली पकड़ सकते हैं, ये सारा वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नदी और यहाँ से हम लोग का अभी मछली पकड़ने का शुरू हो जाएगा। और मेरे साथ अभी आ गए विमान और विश्वजीत नाथ, विमान और विश्वजीत नाथ भी आया हुआ है और अभी हम लोग सब मिल के मछली पकड़ेंगे और तीन चार आदमी आना बाकी है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे, चल। अभी हम लोग सब आके पहुंच चुके हैं यहाँ पर, सब रेडी हो चुका है नदी मछली पकड़ने के लिए, सब रेडी हो चुका। तो अभी सब कुछ रेडी है, जाल भी रेडी है, जाल भी रेडी है और सब कुछ रेडी है। और ये है, अभी इससे हम लोग मछली पकड़ेंगे। तो अभी हम लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं और ये रहा जालवा, मेन जालवा यही है, जाल मछली पकड़ने वाला जाल और मछली पकड़ने वाला हेमंत। जाल तो आई बस धरू, तो जाल आई बो मछली पकड़ने के लिए आया तो जाल रहेगा ही ना, साथ में विश्व कुछ बोलेगा क्या? क्या बोले, चलो देखते हैं, मछली मिलने से अच्छा बात है। नहीं मिला तो नहीं मिला, तू है खरीद के लाएगा, बना के खाएगा। और मछली पकड़ने का ये एक मज़ा है कि आप लोग एकदम जंगल के अंदर नदी के अंदर जाओ और मछली अच्छा अच्छा मतलब मछली मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई चांसेस नहीं है पकड़ने का, लेकिन मज़ा एक अलग है। तो इसलिए हम लोग आए हैं जंगल के बीच हम लोग आ चुके हैं अभी। अभी यहाँ पर हेमंत तो जाल मारने के लिए रेडी है, मार ये आपने मारी थी खुद मारी थी। हाँ याद किंतु लगाए दिले जे और याद पूरा हिलाए दिले हेटू जगह पूरा मास आई जाबो जान धरी वाला सबे। हां दुजन हिलाबो लागिबो दुजन जान तो धरी आरो दुजन असे नैरो पाई दुपा के पूरा जेंग होला जेंग असे बहुत एटू अरे बे मजा र र र हां एटू एटा आइसे याद एटा आइसे ठीक है असे एनका हिलो तो हो जाबो। अरे धीरे धीरे घुसो, हिला उसको, हिलाना पड़ेगा ना। अरे उधर 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 पत्थर पे लगा, हां ऊपर उठा। हम्म, पैसे लगे मन पैसे जल्दी हुमा हुमा हिला दे। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे मछली पकड़ रहा हुआ यहाँ पर, कैसा पकड़ा जा रहा है मछली। यहाँ पर जाल लगा हुआ है और आगे से ऐसा ना बहुत दिनों पिछत आपुन नदी आई सके, बहुत बसर पिछत मैं बाल्यकाल नदीते दिन रात पार कर समय दिन रात गधूल कि बुझी पा ना स्कूल जाऊँ आगर बंधुकटा नदीते आम गा पा धूँ और आज दिन तो मन पड़े बड़ दुखर विषय बंधु बान्ध किसान आतरी गल गुसी गल और सो भाई भतीजा कटार मैं सरकाल मन मैं मन पड़े और चुपा दिया रे चुपा दिया रे चुपा 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 चुपा
चुबा दिया है तो मैं आपको बता दूं, हम लोग अभी बहुत सालों के बाद हम लोग ऐसे मछली पकड़ रहे हैं। पहले हम लोग मतलब स्कूल छुट्टी होने के बाद हम लोग हर रोज नदी आ जाते थे मछली पकड़ने के लिए, उसको नहाने के लिए। तो विश्वजीत तुम बोलो, कैसा एक्सपीरियंस कैसा है तुम्हारा? ये मतलब हो गया 3 साल, शायद 3.5-4 साल होगा तुम्हारा आने। हाँ, नदी तो हम लोग आ ही रहा है, लेकिन स्कूल से हम लोग जब स्कूल में था हम लोग आता था नहाने के लिए और मछली पकड़ने के लिए। अभी तो हम लोग बहुत सालों के बाद, बस कुछ काम नहीं है आज, तो इसलिए हम लोग अभी सब तो अपना अपना काम में बिजी हो चुका है। हर एक लड़का काम में ही रहता है। अभी आज फ्री है, इसलिए हम लोग सब एक साथ आए हैं मछली पकड़ने के लिए। और हेमंत तो आपको पता ही है, वो मछली पकड़ना उसको आता नहीं है, आज पकड़ रहा है। थोड़ा दिख रहा है और पानी आपको दिख रहा होगा, इतना इतना पानी है नदी में। गर्मी का दिन में तभी बहुत ज़्यादा पानी है। नहीं हमें तो टानी यानी टानी कैमरा देखा नहीं फाकत सा ही फाकत सा। अभी मछली पकड़ने के लिए आया है आदमी, तो 13-12 जन होगा, 15 आदमी है, लेकिन मार्च अभी तक नहीं मिला है, थोड़ा सा मिला है, एक आदमी का भी नहीं होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि पकड़ सकते हैं। अभी हम लोग का अगर मछली नहीं मिला तो इससे ही काम करना पड़ेगा। अभिमान देखा है मुख, किमान मस्त पाइस क्या बोला, रुक जाता है पानी कम है जो आप सब खाली उलाने दी, आप सब खाली उलाने दी भैया। পানী আছে পানী আছে বহুত বস্তু দেখা ঠিক আছে না মাটি লাগিব হাত ফটককে দি দিয়া তো নাই দিয়া নাই তো
ভাঙ এইটো ভাঙ যাত মাল আছে যাত মাল আছে তো এই ইয়াত খেলা এক মিনিট রে এই ইয়াত ইয়াত ভাঙ ভালকে ক মানে ভাঙ মানতে রনা बहुत दिन के बाद हम लोग ऐसे नदी पे आए हैं नहाने के लिए और जितना हम लोग सारा 10-15 करीब लोग आए हैं हम लोग और सबका ही कुछ ना कुछ अपना अपना बिजनेस है सभी अपना अपना में बिजी रहता है लेकिन आज सब ने टाइम निकाल के यहाँ पर आया हम लोग नदी में और ये तो हम लोग का बचपन का एक बचपन में हम लोग ऐसा मतलब नहाते थे और मछली पकड़ते थे तो आज 10-12 साल के बाद हम लोग आज फिर से यहाँ पर आए हैं सब एक साथ और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा मछली मिला भी नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग को मज़ा मिला है जितना हम लोग को मछली नहीं मिला उससे ज़्यादा हम लोग को मज़ा मिल रहा है तो अच्छा लगता है ऐसा कभी कभी ऐसा करना चाहिए और आजकल का जो जनरेशन है शायद वो ऐसा नहीं कर सकते ना कर पाएंगे और हम लोग जो जो एंजॉय किया है शायद ही ऐसा कोई कर पाएगा है कि नहीं तुम क्या बोल रहे हो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा एक मौका मिला है सबका सबको एक साथ होने का सबका एक साथ होने का हम लोग सब आके एक साथ मछली पकड़ रहे हैं और मछली पकड़ के नहा रहे हैं अच्छा लग रहा है बहुत আমি আইছো মই আর পাপুদে আর মাছ সালু মাছ মারি আছে সকলে ভাল লাগছে মাছ বহুত পালে মিশা মাছ পাইছে যেটা খিলঞ্জিয়া মাছ যেটো খিলঞ্জিয়া মাছ বলে কয় আর যেটো আমার লোকেল এটো আমি ইয়াত চাইছো আপনি সবকে একবার চিনাকি করাই দিও আমার বিটোসা আমার ক্যামেরা পার্টন ক্যামেরাম্যান আমার ভাইটি মেকার হয় আমার হেমন্ত গড় আমার গড়ুয়া ভাই আমার বাবলু আকাশদীপ আকাশদীপ আমার নতুন করে বিয়া পাতিছে হলেও আমাক মাতিব মাতা নাই তেও আমার বিজয় আমার আর্থার হেৰি শার্ট টি সেলর পে সভাপতি ইয়াত আইছে চাব কারণে আমার পাপুদা আমার আমনি আমার বহুত বুনি আমার যে মানে মনর প্রাণর এজনই আছে এইজন বহুত বুনি আমার রাম সিং রাম সিং আমার বহুত ভাল লড়া আমার হাংমাতি ডাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আর রাম সিং আমার প্রচার করি আছে আগন্তুক গিয়ারক নিমডাঙ্গা লৈ লৈ আছে আর এইজন আমার সুরজগর আপনি এক করেন নাই নাই হল এইজন আমার সুরজগর এইজন আমার শঙ্কর নাই শঙ্কর নাই কি কব লাগিব শঙ্কর নাই এখানে আমার মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয় আর সবে মিলে জুলি এই মাস কিনি মরা হল এইটা আমার ভাইটি ভাইটি সাও মুক্ত হল এটা আমার ভাইটি এটা আমার বিকি ভাল লাগি আছে আজি বৰালি মাছ পালো আৰি পাইছো আৰু আৰু আমি নয়ন বেহাৰৰ কথা পাহৰি গলো কেকুৰা পাইছো তাক নালাগে তাক নালাগে এইজন আমাৰ ৰাহুল ৰাহুলক দেখাওক ৰাহুল ৰাহুলে বহুত কষ্ট কৰি নয়নক নালাগে ৰাহুলে পানীত সোমাই বহুত কষ্ট কৰি দুই এটা মাছ ধৰিলে আৰু তাৰ বিনিময়ত আজি সকলো সকলোৱে খাব পাৰিছে ৰাহুল তোমাক মাছ ধৰি কেনেকৈ লাগিছে দাদা আপোনাৰ অহা কিমান সময় হ'ব আজি বাতৰি সমাপ্ত ইয়াতে নমস্তে নমস্কাৰ বাপুদা যদি সোমা